एयरलाइंस से दुबई जा रहे एक पैसेंजर का आरोप है कि ऑन बोर्ड सेल्स यानी खाने के ऑर्डर के लिए क्रू ने भारतीय करेंसी लेने से इनकार कर दिया। वे बेंगलुरु से फ्लाइट में सवार हुए थे। बिजनेसमैन प्रमोद कुमार ने मंगलवार को इस मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से की। देशद्रोह की धाराओं में कार्रवाई की मांग भी की है। इस घटना पर इंडिगो ने सफाई दी है कि फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए इनके एयरलाइंस इंटरनेशनल फ्लाइट्स में इंडियन करेंसी नहीं लेती है। ये ऑन बोर्ड सेल्स मेन्यू में साफ लिखा होता है। अगर खबरों की माने तो दिल्ली के प्रमोद जैन 10 नवंबर को बेंगलुरु से दुबई जाने के लिए इंडिगो फ्लाइट CE95 में सवार हुए थे। उनके टिकट में खाना शामिल नहीं था। फ्लाइट में चढ़ने के बाद प्रमोद ने खाना ऑर्डर किया। दिल्ली पुलिस को दी शिकायत में प्रमोद ने बताया कि इंडिगो क्रू ने उन्हें खाना देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे इसका पेमेंट भारतीय करेंसी में कर रहे थे। क्रू ने उनसे कहा कि उन्हें सिर्फ फॉरेन करेंसी लेने के ऑर्डर हैं। हालांकि प्रमोद का दावा है कि नियमों के मुताबिक कोई पैसेंजर जहां से चढ़ा है जिस देश में जा रहा है वह दोनों में से किसी भी करेंसी में पेमेंट कर सकता है। प्रमोद कुमार ने मंगलवार को दिल्ली के सरोजनी नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने इंडिगो के खिलाफ IPC 124A देशद्रोह के तहत कार्रवाई की मांग की है। SPI 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।